एशियन गेम 2022 सितंबर के मंथ से स्टार्ट हो रहा है एंड इस एशियन गेम 2022 में टीम इंडिया की क्या स्क्वाड रह सकती है, यहाँ पे मैंने अपना टीम क्रिएट किया है उन 38 प्लेयर्स में से जो यहाँ पे कैंप के लिए सिलेक्ट किए गए टीम इंडिया की, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम यहाँ पे मेरे हिसाब से है। अब उस टीम में कौन कौन से प्लेयर्स मैंने इंक्लूड किए यहाँ पे मैं आपको टीम इंडिया की स्क्वाड बताने वाला है जो यहाँ पे एशियन गेम 2022 के लिए रह सकती है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी टीम है जो प्रोबेबल है ए सिलेक्ट भी हो सकते हैं एंड कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो गए बिकॉज यहाँ पे अभी तक ऑफिशियली जो स्क्वाड है वो यहाँ पे अनाउंस नहीं हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं रेडर्स से, आखिर कौन से 6 रेडर्स सिलेक्ट हो सकते हैं, बात करते हैं सबसे पहले की। तो सबसे पहले रेडर हो गए दीपक निवास हुड्डा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा एंड डेफिनेटली इनको सिलेक्ट करने वाली है बिकॉज कप्तान है। एंड जो दूसरे रेडर है वो यहाँ पे प्रदीप नरवाल है। प्रदीप नरवाल जरूर सीजन 8 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन इस बड़े इवेंट पे इनको सिलेक्ट किया जाएगा। तीसरे रेडर यहाँ पे पवन सहरावत है। पवन सहरावत सीजन 8 में काफी अच्छा परफॉर्म किए एंड इनको भी सिलेक्ट करने वाली है। चौथे रेडर यहाँ पे मनिंदर सिंह रहने वाले। मनिंदर सिंह भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस सीजन 8 में दिखा है। पांचवें रेडर यहाँ पे नवीन कुमार रहने वाले। नवीन कुमार जरूर सीजन 8 में इंजरी के कारण कुछ ऐसे मैचेस थे नहीं खेल पाए थे एंड जो सुपर 10 का रिकॉर्ड था वो यहाँ पे इनका फाइनली एंड हुआ था तो सीजन 8 में अच्छा परफॉर्म किए थे जब जब खेले थे, तो यहाँ पे नवीन कुमार को भी जरूर यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। एंड लास्ट रेडर रहने वाले विकास कंडोला। विकास कंडोला को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज यहाँ पे बड़े इवेंट में अच्छा खेल सकते या फिर इनके जगह पे अर्जुन देसवाल भी अच्छा ऑप्शन है। अर्जुन देसवाल ने सीजन 8 में अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एशियन गेम जैसे इवेंट में भी अच्छा नहीं खेल पाए तो विकास कंडोला की तरफ जा सकती है या फिर अर्जुन देसवाल भी काफी अच्छे ऑप्शन है। तो ये मेरे हिसाब से 6 रेडर्स रहने वाले जो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग कौन से 6 रेडर्स बेस्ट रहने वाले एशियन गेम 2022 के लिए आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते डिफेंडर्स की तरफ। डिफेंडर्स में 2 कैटेगरी आपको पता है, कवर्स एंड एक कॉर्नर्स। बात करते हैं सबसे पहले कवर्स के। जो सबसे पहले डिफेंडर वो यहाँ पे सुनील कुमार है। सुनील कुमार काफी अच्छे डिफेंडर राइट कवर पे खेलते हैं एंड इनके जगह पे अगर अच्छा ऑप्शन देखा जाए तो जयदीप भी हो सकते हैं। सीजन 8 में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस की तरफ जाएगी एंड सुनील कुमार को सिलेक्ट करेगी एंड मुझे भी लगता है कि सुनील कुमार अच्छे ऑप्शन रह सकते। दूसरे डिफेंडर यहाँ पे परवेश भैसवाल रहने वाले। परवेश भैसवाल एंड सुनील कुमार का जोड़ी आपको पता है कि किस हिसाब का परफॉर्म करती है, तो एक तरफ राइट कवर पे सुनील कुमार एंड एक तरफ लेफ्ट कवर पे परवेश भैसवाल, तो ये 2 ऑप्शन की तरफ जा सकती है। एंड जो तीसरे डिफेंडर वो यहाँ पे सुरजीत सिंह रहने वाले जो यहाँ पे राइट कवर पे खेलते हैं एंड सीजन 8 के स्टार्टिंग फेज पे किस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखा रहे थे आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे ये 3 मेरे कवर्स रहने वाले जो यहाँ पे सुनील कुमार, परवेश भैसवाल एंड सुरजीत सिंह हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉर्नर्स की। तो कॉर्नर्स पे सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगी नितेश कुमार। नितेश कुमार काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं एंड बहुत ही अच्छे कबड्डी प्लेयर है एंड राइट कॉर्नर पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरे डिफेंडर यहाँ पे सुरेंद्र नारा रहने वाले। सीजन 8 में इतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं किए लेकिन कॉर्नर पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं एंड लेफ्ट कॉर्नर पे सुरेंद्र नारा रह सकते हैं एंड इसी तौर पे इनको सिलेक्ट करेगी। एंड तीसरे डिफेंडर यहाँ पे रहने वाले हैं विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज का सीजन अच्छा गया था सीजन 8 एंड विशाल भारद्वाज को भी सिलेक्ट कर सकते या फिर इनके जगह पे सागर रह सकते। सागर ने प्रो कबड्डी सीजन 8 में काफी अच्छा परफॉर्म किया था तो सागर की जगह या फिर विशाल भारद्वाज हो सकते या फिर सागर भी हो सकते। आप कॉमेंट करके बताइए कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रह सकते। तो ये मेरे तरफ से 3 कॉर्नर्स रहने वाले जो यहाँ पे नितेश कुमार, सुरेंद्र नारा एंड विशाल भारद्वाज। अब आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि कॉर्नर्स में क्या बदलाव देखने को मिल सकते। तो गाइस ये है टोटल 12 प्लेयर्स जो सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं डिसाइड करने वाला होता तो यही 12 प्लेयर्स को सिलेक्ट करता जो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, दीपक हुड्डा, प्रदीप नरवाल, पवन सहरावत, मनिंदर सिंह, नवीन कुमार, विकास कंडोला। तो रेडर्स में कोई भी कमी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग है जहाँ पे सुनील परवेश की जोड़ी देखने को मिल रही है, सुरजीत सिंह हो गए एंड कॉर्नर्स पे हमें नितेश कुमार, सुरेंद्र नारा एंड विशाल भारद्वाज जैसे डिफेंडर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेस्ट स्क्वाड है एशियन गेम 2022 के लिए टीम इंडिया की।
आप भी कमेंट करके आपके अकॉर्डिंग क्या इंडिया की बेस्ट स्क्वाड रह सकती है एशियन गेम 2022 के लिए, कमेंट करके जरूर बताएगा। जो 38 प्लेयर सिलेक्ट हुए उसी में से आप भी अपनी स्क्वाड बना के कमेंट करके बता सकते हैं। जो बेस्ट स्क्वाड मुझे लगेगा पर्सनली उसको मैं पिन करने वाला हूँ एंड किसी वीडियो में फीचर या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा कि मुझे कौन सी टीम सबसे बेस्ट लगे। एंड आपके अकॉर्डिंग आप इस टीम को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आपको अपकमिंग वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज नई वीडियो भी डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।